हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक डेप्थ में। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉस्किटो रैकेट होता है इसमें जो स्पार्क कम आता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बैट को 100% सही कर पाएंगे, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चैनल पर आप देखेंगे आधी अधूरी जानकारी दे के छोड़ देते हैं। तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जो मेरा जो तजुर्बा है, जितने भी मैंने कमेंट देखे हैं लोगों के चैनल्स में, उसमें ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये स्पार्क कम देता है। जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ, या फिर स्पार्क देता है हल्का फुल्का तो मच्छर नहीं मरते हैं। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये स्पार्क तो दे रहा है लेकिन इससे क्या हो रहा है, मच्छर नहीं मर रहे हैं। स्पार्क इसमें ठीक है लेकिन कई बार स्पार्क कम होता है। ज़्यादातर समस्या जो आती है वो स्पार्क कम होने की आती है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। पहले हम इसकी बैटरी को चेक करेंगे। सबसे पहले इसको 20 पर रखेंगे, ये देखिए, ठीक है, 20 DC पर रखेंगे, 20 वोल्ट DC। अब इसको हम पहले चेक कर लेते हैं बैटरी की वोल्टेज कितनी है। आप देख रहे होंगे मैंने उल्टा लगा रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस माइनस दिखाएगा और कुछ नहीं। ये देखिए बैटरी की वोल्टेज आ रही है, बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। ये देखिए 4.25, ओके 4.25। अब हम इसको ऑन करके स्लाइडिंग स्विच को ऑन कर देंगे और इसको ऑन करके इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे, राइट। अब देखते रहिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम रहती है इसमें बेसिकली। ये देखिए 4.26, जो पुश बटन स्विच है इधर वाला, इसके पहले टर्मिनल पर जो इनपुट है इस साइड में मैंने इसको रखा हुआ है 4.27। अब मैं इसी पे ही रखते हुए बटन को दबाऊंगा, मतलब बैट को ऑन करूंगा। ये देखिए ऑन करते ही, सॉरी ये हिल रहा है, एक मिनट, ऑन करते ही ये देखिए 3.38 तक। अब ये आप जब तक दबा के रखें जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए, ये देखिए, सॉरी इसमें आपको थोड़ा पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए 3.33 पे रुक गया है, 3.33। अब मैं इसके दूसरे वाले स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल पर देखूंगा, ये देख रहे होंगे 3.15, तो पहले वाले पे आ रहा है 3.33। तो आप समझ सकते हैं कि 0.17 तक का इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है स्विच के थ्रू। ये स्विच होता है, ये आप देख रहे होंगे, मैं स्विच दिखा देता हूँ आपको, ये जो स्विच होता है ये वाला, ये स्विच ख़राब हो चुका है। पूरा ख़राब नहीं है बट इसमें कुछ वोल्टेज पूरा आउटपुट नहीं जा रहा है, तो 0.77 या 1.8 के आसपास ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो अब ये आपका स्विच चेक हो चुका है, ऐसे ही सेम इस स्विच को भी चेक करना है, स्लाइडिंग स्विच को। ये देखिए इस स्विच का ये इनपुट है इधर की तरफ, ये आउटपुट जाता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे आउटपुट है। तो पहले आप यहाँ ऑन कंडीशन में ही चेक करें फिर यहाँ चेक करें। तो इस स्विच की अगर कुछ वोल्टेज एक वोल्ट 0.1 या 0.2 हो रहा है तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो इस स्विच को भी बदलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्विच भी आपको बदलना है। मतलब एक प्रॉब्लम तो आपको ये फाइंड आउट हो गई, बैटरी की वोल्टेज ओवरऑल अभी तो 0.3, मैं बता देता हूँ, अगर सही बैटरी है तो 4.3 या 4.4 दिखाता है चार्जिंग कंडीशन में, और जैसे ही उस पर लोड डलता है तो वो 3.8 या 3.85 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे जा रहा है, जैसे इसमें जा रहा है 3.33 तक। तो इसका मतलब है ये बैटरी ख़राब हो चुकी है, इस बैटरी को कृपया करके बदल लें, इस स्विच को बदलें, और अगर इस स्विच में भी प्रॉब्लम है स्लाइडिंग वाले में तो इसको भी बदलें, ठीक है। अब ये वाला स्टेप तो पूरा हो गया, अब आता है ट्रांजिस्टर। इसमें एक ट्रांजिस्टर होता है जो आपने देखा ही होगा, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ।
पहले इसको बंद कर लें स्विच को, अदरवाइज झटका लग सकता है आपको। ठीक है, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है इसका, ये D8882 ट्रांजिस्टर होता है, D8882 मतलब 3 बार 8 है फिर 2 है, 8882। ओके, तो इसको कैसे चेक करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे दोनों तरफ, ये ज़रूरी नहीं है आपको निकालना पड़े। ये देखिए इसके 3 टर्मिनल हैं ट्रांजिस्टर के, ये देखिए ये 1 2 3, ये है इसका पॉजिटिव पार्ट, ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, तो इसका P है, ये दोनों N है, ये दोनों N, ये वाला हिस्सा P है क्योंकि इसका साइड में बेस होता है। तो ऐसा ना समझें कि हर ट्रांजिस्टर का बेस बीच में होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैंने नया ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, ये देखिए ये D8882 है, आप शायद देख पा रहे होंगे, देखिए D8882 है। ठीक है, इसको इसका ये बैक साइड का हिस्सा है और ये फ्रंट है, ये फ्रंट वाले को इसको हम मल्टीमीटर के पहले हम HFE पर रखेंगे। HFE पर रखने के बाद ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये NPN है, तो हम ये वाले क्वेश्चन में जाएंगे NPN, इस पर ये एमीटर बेस कलेक्टर एमीटर ऐसे करके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमारा ट्रांजिस्टर है NPN और इसका बेस है साइड में। ओके, ये देखिए ये सीधा है, इसका बेस कलेक्टर एमीटर ऐसे है, तो इसको ऐसे ही लगाएंगे। देखिए ये बेस हो गया, ये पहला पॉइंट छोड़ के बाकी 3 में लगा देते हैं और इसको नीचे हल्का सा दबाते हैं, जेंटली दबाना, ज़्यादा तेज़ नहीं, इसमें एक रीडिंग आएगी। देखिए ये सही ट्रांजिस्टर है, इसकी ये पहचान है। अगर मैं इसको उल्टा लगा दूंगा गलती से तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, देखिए नहीं दिखा रहा। तो ये चेक हो गया आपका, इस ट्रांजिस्टर ओके है। अब इसी ट्रांजिस्टर को मैं ये चाहता हूँ कि बिना, अब ये तो इसमें सोल्डरिंग है, तो आप सोच रहे होंगे यार कौन इसको निकाले, हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको 2000 पे रखना है, ओके, मल्टीमीटर की प्रोब को, और ये ऐसे ही जैसे हमने ऐसे पकड़ा था, ये इसका बेस हो गया साइड में, बीच में कलेक्टर हो गया, और इधर मेरे तरफ की जो साइड है उसमें हो गया एमीटर। तो हम क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये बेस है PN, मतलब P वाला पाइप पे लगाएंगे इसको। मैं नीचे रख देता हूँ थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे। तब मैं जो साइड वाला बेस है इस पर P पे ये पॉजिटिव लगाऊंगा और फिर इस पर नेगेटिव, बीच वाले पर नेगेटिव लगाऊंगा। ये देखिए रीडिंग कितना आ रहा है, ये बीच में और जो साइड में रखूँगा ब्लैक, तो दोनों में समान रीडिंग दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ठीक है, 820/36 दिखा रहा है, ये 700 भी दिखाता है या 750 भी दिखाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम रीडिंग दिखाना चाहिए, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाएगा। ठीक है, ये 835 है और ये आप देखेंगे तो 837 के आसपास है, बस इतना ही फ़र्क दिखा रहा है। अब ऐसे ही हम इसमें लगे हुए में चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेस जो है मैंने इस साइड में बताया था, और ये इसका कलेक्टर है, ये एमीटर है, तो हम ऐसे ही करेंगे, ये पी वाली पॉजिटिव जो है इस पर बेस पर रखेंगे और बीच में नेगेटिव रखेंगे। तो देखिए रीडिंग कुछ दिखा रहा है 700 कुछ, और साइड में देखेंगे ये भी 700 कुछ दिखा रहा है। देखिए इसमें मैं एक्जैक्टली दिखा देता हूँ, 720 दिखा रहा है और सेंटर में दिखा रहा है 717। अब आप समझ ही गए होंगे ये ट्रांजिस्टर ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के बाद हमें देखना है, ये सारा चीज़ जो आप चेक करेंगे इसे एनर्जाइज ना करें, इसे ऑफ़ करके ही करें चेक, तो आपको सारा चीज़ डिटेल में पता लग जाएगा। अब इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है इसका देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्मिनल है, इस 6 टर्मिनल में ये और ये एक बाइंडिंग है, समझ रहे हैं आप, एक और ये की, ये एक बाइंडिंग है और ये एक बाइंडिंग है। ठीक है, इसमें एक प्राइमरी एक और ये आउटपुट है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही चेक करना है, ये और ये आउटपुट, ये एक बाइंडिंग, ये और ये एक बाइंडिंग है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही चेक करेंगे, पहले हम ये साइड वाली बाइंडिंग चेक करते हैं, देख लेते हैं, देखिए क्या रीडिंग आ रहा है, लगभग 0 के आसपास आएगा, 0 या 1, देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ये साइड की 2 चेक कर लेते हैं, इसमें भी 1 या 2 या 1 दिखाएगा। देखिए अब आउटपुट में जब हम चेक करेंगे तो इसमें देखिए ये दिखा रहा है 162, कोई कोई 225 दिखाएगा, 220 दिखाएगा, 190 दिखाएगा, तो सही है।
अगर इनफाइनाइटी मतलब वन दिखा रहा है, इसका मतलब ये बाइंडिंग ओपन हो चुकी है। इसमें वन मतलब ये वाला वन, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ वाला वन नहीं, ये यहाँ पे जो वन दिखाएगा, अगर ऐसे दिखा रहा है इस पर लगाने के बाद भी, तो इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। और अगर ये जो रीडिंग मैंने आपको अभी बताई थी, ये आउटपुट पर ऐसे दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो इस वाले सर्किट तक आपने फिजिकली चेक कर लिया, अब हम इसे एनर्जाइज करके देखते हैं कि इसमें ये मतलब आउटपुट कितनी निकालेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको, आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं, ये डीसी जो सप्लाई इसको मिलती है, ये डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में इस ट्रांजिस्टर के थ्रू एसी बन के जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। इसलिए ट्रांजिस्टर का काम होता है इसे ऑसिलेटर इनपुट सिग्नल देना। तो ये ऑसिलेटर इनपुट सिग्नल मतलब एसी बना देता है, पर एसी ही इस आउटपुट पे हमें एसी मिलती है। तो इन पॉइंटों पे हमें एसी मिलेगी, ना कि डीसी। आगे जाके ये सर्किट में ये डीसी में कन्वर्ट होके मिलती है, तभी ये बैट काम करता है। अब ये मैंने 600 पर रख दिया, देखिए दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं इसको एनर्जाइज करके देखूँगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, आउटपुट में अगर वोल्टेज सही होगी तो ये 600 से प्लस हो जाएगी, मतलब वन दिखाएगा यहाँ पे, यहाँ वन दिखाएगा, तो तुरंत इसको ऑफ कर दें। तो आपको ये चेक करने के लिए सफिशेंट है, ज़्यादा देर तक इसको प्रोब को लगाए ना रखें। तो देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ। थोड़ा ध्यान रखें, हाथ बात ना लगे आपका सर्किट पे, अदरवाइज़ आपको झटका लग सकता है। वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर आपको इस इलेक्ट्रिकल का ज्ञान नहीं है तो इसको करता करके देखिए, दिखा रहा है वन। जैसे ही मैं अब देखिए ऑन करने वाला हूँ, 1 2 3 देखिए वन, तुरंत छोड़ दें, तो इसका मतलब ये 600 से प्लस जा रहा है, तो इस ट्रांसफार्मर सही काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर तक आउटपुट ठीक है। इसके बाद भी इसमें मच्छर नहीं मर रहे हैं, स्पार्क भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मच्छर नहीं मर रहे हैं, तो इसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखिए अब इसको पहले ऑफ़ कर लेते हैं। यहाँ तक आपका पूरा चेक हो गया, मतलब यहाँ तक सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक स्विच ये आपका थोड़ा सा इशू कर रहा था। ये स्विच आप बदल सकते हैं, बैटरी बदल सकते हैं, ये दो प्रॉब्लम आपको पता चल गई। अब इसको हम खोल के देखते हैं, इधर हम इधर कर लेंगे इसको, थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसमें ये तीन डायोड है, ये लैडर नेटवर्क होता है, 1 2 3 ठीक है। ये तीन डायोड को आपको चेक करना है, इस डायोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पीएफ है, ये 2 2 किलो वोल्ट के हैं, ये कम से कम 2 किलो वोल्ट के होंगे, 2 से 3 किलो वोल्ट का, बैट के अनुसार डिपेंड करता है कि कौन सा बैट है। ये लैडर नेटवर्क क्या करता है, जो आउटपुट ट्रांसफार्मर पर आ रही है इसको 3 गुना करके यहाँ तक पहुँचाता है, और ये चार्ज होता है, तब ये चार्ज होके यहाँ पे स्पार्क पैदा करता है। अगर ये डायोड भी बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, अगर ये डायोड ख़राब हो गए तो भी आपका मच्छर नहीं मरेगा, भले ही आपका स्पार्क भी ज़्यादा आ रहा हो फिर भी, ठीक है। तो अब इस डायोड को कैसे चेक करते हैं मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। ये जो पॉजिटिव पार्ट है ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाले पर रेड वाला रखेंगे, और ये वाइट वाले पर हम ब्लैक रखेंगे। सेम ऐसे ही तीनों चेक करने हैं, तो तीनों में शॉर्ट हुए हैं या ओपन है क्या है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए पहले हम इसको डायोड पोजीशन पर रखते हैं, ये देखिए डायोड पोजीशन पर रख लिया हमने। अब मैं जैसा कि मैंने बोला था, इसको पॉजिटिव वाले पार्ट पर रखेंगे ब्लैक वाले पे, और वाइट वाले पे ब्लैक वाला रखेंगे। ये देखिए ये कुछ रीडिंग दिखा के और बंद हो जा रहा है, फिर हम इसको रिवर्स करके चेक करेंगे। देखिए एक बार रिवर्स में भी चेक कर लें, कुछ रीडिंग नहीं दिखा रहा है ये, इसका मतलब है। ऐसे ही हम तीनों डायोड को चेक करते हैं, तीनों डायोड में क्या आता है वो देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा पेशेंस का काम है, मेरे को भी बहुत टाइम लगाता है इसे सीखने में, तो ऐसा ना सोचें कि ये सही नहीं हो सकता। जब किसी ने कोई चीज़ बनाई है तो पॉसिबल ही नहीं है कि सही ना हो। मैंने बहुत से कमेंट देखे हैं यूट्यूब पर, लोग कहते हैं सही नहीं हो सकता, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये सही हो सकता है। अब ये तीनों डायोड ख़राब हो चुके हैं इसके, ये डायोड आप चेंज कर दें, और जो ये पीएफ है छोटे वाले सिरेमिक कैपेसिटर हैं, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसको भी आप चेंज ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टाइम के साथ वीक हो जाते हैं। तो ये एक कैपेसिटर पीएफ और ये छोटे छोटे ये दो पीएफ हैं, इनको कृपया करके चेंज करें, और ये डायोड चेंज कर दें।
अब मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने ये जो दो तीन छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई, जैसे ये स्विच हो गया, ये स्विच भी कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, ये स्विच ख़राब हो जाता है, और ये डायोड, तो अगर आपने ये चीज़ें बदल दी इसकी, और मैंने अपना बैट को मैं कम से कम 7-8 साल से चला रहा हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बीच में ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने चेक करके उसको बदला और अभी तक चल रहा है, और ऐसा भी नहीं, मेरा भी बैट चाइनीज़ है, लोग कहते हैं कि चाइनीज़ बैट रिपेयर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम लगे और आपको लगता है कि मैं ये सही नहीं कर पा रहा हूँ या स्पार्क की प्रॉब्लम है, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपकी समस्या का समाधान 100% करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट्स नहीं मिल रहा हो, तब भी कृपया करके कमेंट में बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़रूर। मैं आपको ऐसी ही वीडियो बताऊँगा और आपकी समस्या का समाधान 100% करूँगा। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद, सीखने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी कुछ फ्रॉड है या केवल वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, ये केवल फुल नॉलेज के लिए है। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कृपया करके बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।